फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दिक्ष वेब में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए ये नया मेकअप लुक लेकर आई हूँ। आज मैंने ये फुल फेस मेकअप किया है। ये मेकअप सूटेबल रहेगा स्मॉल फंक्शन के लिए, बर्थडे पार्टीज के लिए, या फिर आप अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने जा रहे हैं तो भी काफ़ी अच्छा लगेगा। तो अगर आपको मेरा ये मेकअप लुक पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और आगे भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले हम लगाएंगे एलोवेरा जेल, जो हमारे फेस को मॉइस्चराइज भी करेगा और प्राइम भी करेगा हमेशा की तरह। इसके बाद अच्छे से फेस पे एलोवेरा जेल लगाने के बाद हम अपने आईब्रोज फिल करेंगे। आईब्रोज फिल करने के लिए कोई आईब्रो किट यूज़ नहीं करती हूँ, अपनी आई शेडो पायलट से ही आईब्रोज फिल कर लेती हूँ, ब्राउन और ब्लैक शेड को मिक्स करते हुए स्मॉल ब्रश की हेल्प से। तो आप भी अपने आई शेडो पायलट से बहुत ईजीली आईब्रो फिल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम आईब्रो किट परचेज़ करें, ज़रूरी नहीं है कि हर मेकअप प्रोडक्ट होना चाहिए, अगर नहीं है तो हम ये आई शेडो यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आईब्रोज को फिल करने के बाद हम करेंगे अपना आई मेकअप, क्योंकि आईब्रोज स्टार्ट करें तो आई मेकअप फर्स्ट करेंगे हम। तो सबसे पहले मैं अपनी आई लिड्स को कंसील करूँगी। तो आईब्रोज हमारी हो चुकी हैं, ठीक है। तो मैंने स्विस ब्यूटी का कंसीलर यूज़ किया है आई लिड को कंसील करने के लिए। ये एक बेस देता है हमारी आई लिड को, जिससे आई शेडो अच्छे से सेट होता है और उसका कलर एकदम, मेरे को पिगमेंटेशन भी कहीं नहीं जाता है, प्रॉपर शेड मिलता है हमको। इस शेड के लिए पिंक शेड यूज़ किया क्योंकि मैंने वाइट कलर पहना है, तो ये काफ़ी अच्छा जाएगा वाइट के साथ पिंक। आप पीच भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैं ये ग्लिटर शिमरी शेड ले रही हूँ, जो कि बहुत लाइट पिंक है, बेबी पिंक सा, काफ़ी अच्छा शेड है। उसके बाद मैं इसे सिर्फ अपनी फिंगर्स की हेल्प से ही लगाती हूँ, मैं ब्रशेज ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। चीक बोन्स को, चिन को बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अपने फोरहेड को भी। अंडर योर आईब्रो भी आप हाईलाइट कर सकते हो, लेकिन मैंने आज किया नहीं है, मैंने स्किप कर दिया। उसके बाद हम लगाएंगे ब्लशर। तो ये भी मैंने आई शेडो पैलेट से ही लिया है, ऑरेंज सा पीची सा शेड है ब्लशर अप्लाई करने के लिए। उसके बाद लिपस्टिक, मेबलिन की लिपस्टिक है, काफ़ी अच्छा शेड है, ना ज़्यादा डार्क पिंक है ना ज़्यादा लाइट पिंक है, मीडियम पिंक है, बहुत सुंदर। इसके साथ हमारा फुल फेस मेकअप हो चुका है, देखिए कितना चमक रहा है। वो मैंने अपनी तारीफ खुद ही कर दी है, क्योंकि हमारा मेकअप बहुत ही अच्छा हो गया और बहुत जल्दी हो गया। तो आप भी ये मेकअप लुक ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
काफ़ी सिंपल है, काफ़ी एलिगेंट है, काफ़ी ग्लैम है, सब कुछ है इस मेकअप में। तो लिपस्टिक आप डार्क भी लगा सकते हैं अगर शादी में जा रहे हैं तो। वैसे तो ये स्मॉल फंक्शन के लिए एकदम एक्यूरेट नहीं था। गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगली वीडियो में मिलते हैं।